पिछले वीडियो के अंदर मैंने जो अभिषेक भैया ने गिफ्ट दिया था वो दिखा। देखो ये बेचारे मेरे इंतजार में बैठे हुए थे, मेरी शक्ल देख के कोई कह सकता है तो कॉमनवेल्थ की तैयारी कर रहा है। ये देखो सेल्फिश हंस रहा है बहन का लड़ने। तुम बॉडी देखो अपने भाई की, देखो क्रिश बना पड़ा हूं मैं, कुत्ते में जा रहा हूं। पहले मैं आपको बता देता हूं कि मेरा नया कोच कौन है। तो हे गाइस, क्या हालचाल, स्वागत है आपका इस नए व्लॉग में। और ये व्लॉग होने वाला है, मैं एक्चुअली अपनी पूरी वीकली सीरीज बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को डाउट होते हैं कि मैं सोता कब हूँ, खाता कब हूँ और ट्रेनिंग कब करता हूँ। तो मैंने सोचा एक पूरे हफ्ते का एक रैप अप सा बना दूँ, जिसमें आप सबको पता लगे कि मैं कौन से टाइम पर जिम जाता हूँ, ट्रेनिंग कब ख़त्म करता हूँ, फिर डाइट में क्या खाता हूँ और सोता कब हूँ, कितने घंटे के लिए सोता हूँ। तो अभी दिक्कत ये थी कि मैं गाड़ी से जाता हूँ यूजुअली जिम, बट आज गाड़ी थी नहीं घर पे, तो मैंने सोचा कि कोई नहीं मेट्रो से चल लेते हैं, क्योंकि गाड़ी आएगी लेट और फिर लेट ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तो अभी मैं घर से निकल गया हूँ, मेरे को मेट्रो के लिए करीब 6-7 किलोमीटर दूर मेट्रो मिलती है। तो पहले मैं कोई व्हीकल ढूंढूंगा जिससे मैं मेट्रो तक पहुँच पाऊँ। कैमरा लेके आया था, इसका मेमोरी कार्ड मैं लाना भूल गया, तो फ़ोन से बनाने पड़ेगा पूरा का पूरा व्लॉग। तो अभी पहले मैं व्हीकल ढूंढता हूँ, उसके बाद बाकी बातें। अभी मेरे को ये पूरी लंबी सी रोड, करीब 1 किलोमीटर लंबी है, ये पार करके मेन रोड पे जाना पड़ेगा, वहीं से कुछ व्हीकल मिलेगा, उससे पहले कुछ मिलता नहीं है। और पिछले वीडियो के अंदर मैंने जो अभिषेक भैया ने गिफ्ट दिया था वो दिखाया नहीं था, तो ये अंडर आर्मर की आयरन पैराडाइज वाली टी शर्ट मुझे दी रॉक की, जब भी मैं देखता था मुझे बहुत पसंद थी, तो मैंने ये ले ली। और एक सॉक्स लिया मैंने, बड़ी महंगी सॉक्स है, पर वो मेरे ड्रिप के साथ मैच हो रही है, तो जो मैं ड्रिप डालूंगा अपनी SVD के सिंगलेट के साथ तब दिखाऊंगा। बाकी मैं थक गया थोड़ा सा ही चल के, अभी पहुंचते हैं एंड में। तो गाइस मैंने 2 मेट्रो चेंज कर लिए, लास्ट मेट्रो पे हूँ मैं अभी, यहाँ से सीधे पटेल नगर से मैं अमन को बुला लूँगा, वो पिकअप कर लेगा मुझे स्कूटी पे। और ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया है, पिंक लाइन से चेंज करने में ना बहुत चलना पड़ता है, वो दिक्कत होती है मुझे, बस वरना मैं तो मेट्रो से ही आता था। अभी जिम पहुँचते हैं फटाफट, बाकी मेरे को लग रहा है आज की ट्रिप बढ़िया है, बहुत सारे लोग नोटिस कर रहे थे, तो मैं दिखाऊंगा, अभी शर्म आ रही है यहाँ पे दिखाने में, जिम में पहुँच के ट्रिप दिखाता हूँ। तो भाई ये थी जो अभिषेक भैया ने टी शर्ट गिफ्ट करी थी, पूरी देख लो, पास आके तेज बोल, आयरन पैराडाइज दिखाई दे रहा है? नहीं भाई 200 वाली लग रही, कसम से कमेंट करके बताओ। अभिषेक भाई रियली सॉरी, टी शर्ट तो अच्छी है, बहुत महंगी है, उतने की लग नहीं रही है, इसलिए 200 नहीं रहा। बाकी अभी स्क्वाट और बेंच करनी है, और मैं कोच बताने वाला हूँ कि थोड़ा बहुत सेट आउट हो जाऊँ, अपनी ड्रिप दूसरी जिम वाली ड्रिप लगा लूँ, फिर बताता हूँ। ठीक, ये देखो ये बेचारे मेरे इंतजार में बैठे हुए थे तब से, ये मेरी शक्ल देख के कोई कह सकता है तो कॉमनवेल्थ की तैयारी कर रहा है। अमन अपने पापा जी के रेस्ट आप कैसे अच्छे लग, कैसे लग रहे ट्रेनिंग में? यूज तो तू कर रहा है बोलड़ी के, फट गए भाई, फट गए तेरी बहन की, गांड मार दी तूने मेरी, अभी परसों लिए है, फट गए तेरी बहन की, सांस ऊपर नीचे हो गई थी पूरी। भाई मैंने एक और चीज डिसाइड कर लिया, मैं अपनी हर एक ट्रेनिंग पूरे किट में करा करूंगा, क्योंकि बेटर रहेगा थोड़ा, अगर जिसमें कॉम्पिटिशन खेलना है उसमें करूंगा। बाकी अभी स्क्वायर ट्रैक की बड़क हो रही है थोड़ी, वो शीशे की तरफ लगा हुआ है, ये दोनों इसी में कर रहे हैं, कह रहे कोई नहीं होता, पर मैं नहीं करूंगा, मैं जैसे कंपटीशन में मिलता है पूरा वैसे करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इतनी दूर आया हूँ बहन चो, यहाँ पे भी कॉम्प्रोमाइज करके ट्रेनिंग करो उसमें क्या फ़ायदा, ट्रेनिंग एकदम फोकस होकर करना भाई, कोई ट्रेनिंग से कॉम्प्रोमाइज़ करोगे फिर बहन चो फिर फ़ायदा क्या, दिक्कत ये है ना। तो अभी मैं पहले किट पहन लेता हूँ अपनी, दिखाता हूँ किट पहन के क्या कैसा लगता हूँ। भाई मैंने अभी अपने वार्म अप सेट ले रहा हूँ, 100 kg से लिया है, उसके बाद 140 लूंगा मैं, उसके बाद 170, फिर मेन सेट 187 समथिंग से है। और मैं अभी लिफ्ट में आके वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि जिम में ही गाने बज रहे हैं बिल्कुल पंजाबी वाले, कॉपीराइट आ जाएगा उससे, तो मैं लिफ्ट में आके जो भी बीच का सीन है वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और अभी 140 kg से वार्म अप सेट लेने चलते हैं फटाफट, चलो। ये आजकल के नए नए स्ट्रॉन्गेस्ट टीम 170 किलो के स्क्वाट में हकते हैं, अभी इन्हें दिखाता हूँ 170 किलो के स्क्वाट कैसे मारते हैं वार्म अप में। हाँ।
देखो भाई, तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट टीम करेंट का, और ये प्रीवियस मज़ा नहीं आया, करारा नहीं लगा थोड़ा। तो भाई अभी मेरे को लेना तो 185 से एक रैप के दो सेट थे, लेकिन फिर मैं सोचा 87 ले लेता हूँ, पर 190 लेते हैं। आरपी 7 पे लगाना है और दो सेट लगाने हैं, इजी मक्खन चला रैप लेता हूँ फटाफट इजी। मजाक से हट के तीसरा हफ्ता है, फर्स्ट डे, आज नींद भी मैंने अच्छे से नहीं लिया है और तीसरे हफ्ते में 190 पे आ चुका हूँ मैं ऑलरेडी। मेरे को अभी भी इतना कंफर्टेबल नहीं लग रहा स्क्वाड बेंच डेड लगाने में, पर स्ट्रेंथ मैं लगा दे रहा हूँ। पता नहीं, मुझे तो अब कोई लिमिट ही नहीं लग रही अपनी, जब मैं प्रॉपरली अडेप्ट कर लूँगा ऐसे मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मैं कहाँ तक खेच सकता हूँ। अभी तो मेरे को लग रहा है लिमिटलेस है, कहीं तक भी लेके चले जाऊँगा अगर दिमाग सही रहूँगा तो। बाकी अभी एक और सेट लेना है, वो लेते हैं, उसकी स्पीड चेक करते हैं, थोड़ी बहुत क्यूज और ठीक करूंगा मैं, ग्रिप थोड़ी वाइड करूंगा, मेरे को कंफर्टेबल नहीं होता इसमें, तो वो देखते हैं, मेरे ख्याल से बेटर आएगा ये वाला। बेंचो इसको बंदियों से फुर्सत नहीं होती, इसको वीडियो बनानी नहीं आती, एक तो ऐसे पार्टनर मिले हुए मुझे, एक इंस्टाग्राम के लिए वीडियो बनाने के लिए बोली साले ने वाइड एंगल से बना दी। क्या फट्टू इंसान है, पलटू क्या पलटू घोसड़ी है, पता बता तेरी बहन है ही नहीं कुछ। अगर मैं नहीं आऊँ ना ट्रेनिंग करने, दोनों फेलियर है, दोनों के दोनों। ये था कुछ तगड़ा, पर इस पे घमंड आ गया अब, जैसे ही इसका नेशनल का मेडल पड़ा ना इस पे घमंड आ गया इतना ज्यादा। साले छुपा क्यों रहा है तेरी बहन की, भाई ये गंजा हो रहा है पीछे से, उम्र हो गई इसकी भाई, स्टेरॉइड वेरॉइड कम कर थोड़ा। किस चीज का? 1.5 लाख रुपए कॉमनवेल्थ में लगाने का? मत बता यार। अब तो बता दिया मैंने। तो भाई खत्म हो चुकी है और बेंच प्रेस में मैं अपनी डेप्थ चेक कर रहा था, क्योंकि आईपीएफ में नया रूल आ चुका है कि अब आपको बेंच प्रेस में डेप्थ हिट करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आ रहा था ये क्या है, तो तुम्हारा भाई है तब काम आएगा। अभी मैं तुम्हें जाके बताता हूँ आईपीएफ में बेंच प्रेस की डेप्थ का सीन क्या है। लेट्स गो। तो भाई आईपीएफ में बेंच प्रेस की डेप्थ का सीन एक्चुअली ये हुआ है कि जो आपकी शोल्डर है, फ्रंट डेल्ट है, फ्रंट डेल्ट की मसल, ये आपकी पॉइंट होगी कि ये आपका डेप्थ का, ये एक तरीके से आपका नी माना जाएगा। भोसड़ी के सीधा बोलना, ये एल्बो ये चीज इसके नीचे होनी चाहिए, थोड़ा बराबर रखिए ऊपर से दिखाना साले। ये आपका जहाँ से डेप्थ डिसाइड होगी, आपकी कोनी पैरेलल पे आनी चाहिए या तो नीचे आनी चाहिए। अगर आपकी कोनी ऐसे रहेगी तो ये लाइन, मतलब ये ऊपर ऐसे, ये पास नहीं होगी आपके लिफ्ट। बेसिकली आपकी शोल्डर की अपर जॉइंट और एल्बो पैरेलल होनी चाहिए, तभी आपकी पास होगी। और ये चीज़ अगर आपको अपनी देखनी है तो अपनी वीडियोस पीछे से बनाओ या तो इस एंगल से बनाओ जिससे आपकी एल्बो दिखे कि ये कैसे जा रही है। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप आर्क नहीं बना सकते, आर्क बनाने के बाद भी आप अपनी एल्बो नीचे ला सकते हो, कोई इशू नहीं है। मैं भी आपको ला के दिखाता हूँ कैसे आती है। चल। If you want it bad, I'm gonna show you where it's at. Yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done. I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want. Yeah, rises like the sun. Yeah, fatal like a gun. Shooters gonna shoot and I'm gonna shoot until I fall. Yeah, always do it on my own, so I gotta get through it. And the only boss saab ne bola tha ki naak se saans leni hai bench press mein.
और मेरी दोनों नाक बंद पड़ी हुई है, वो एक सेकंड की सांस तीन सेकंड में ले रहा हूँ धीरे धीरे करके, ऐसा कर करके तो दिक्कत हो रही है। बाकी अभी बस अपनी बेंच प्रेस कंप्लीट करके फाइनली बता रहा हूँ मैं मेरा कोच कौन है, ठीक है? बेंच प्रेस तक का इंतजार करो, स्किप जिसने करी अंडी वंडी शंडी जिसने स्किप करी। साइड एक्सरसाइज में सिर्फ मैंने लैट पुल डाउन करी है क्योंकि जिम बंद हो रहा है और मेट्रो भी नहीं मिलेगी रात को, तो फटाफट घर पे पहुंचेंगे। घर पे मेरे थोड़े डंबल वम्बल पड़े हुए हैं, रोड रोड स्क्वायर ट्रैक आपको पता ही होगा, तो साइड एक्सरसाइज घर पे पहुंच के करेंगे, पहले फटाफट पैक करके घर पहुँचते हैं, वरना अगर मेट्रो नहीं मिली तो फिर कैब करनी पड़ेगी। साला कह रहा है रोड क्रॉस कर लेना, मेरे को टाइम लगे, तुम्हें टाइम लगेगा, वरना कहाँ को ये कहता है कि तुम्हें घर छोड़ आता हूँ मैं। ये देखो सेल्फिश हंस रहा है बहन का लंडे। भाई लास्ट मेट्रो पकड़ ली थी लेकिन ये मेरा कार्ड रिचार्ज नहीं था तो टाइम लग गया। मोस्ट प्रोबेबली मेरे को पिंक लाइन की मेट्रो नहीं मिलेगी, तो अगर नहीं मिली तो वहाँ से मुझे कैब करनी पड़ेगी। लेट्स सी क्या होता है अभी, अभी पहले राजौरी गार्डन पहुँच जाऊँ फिर उसके बाद बताता हूँ। भाई चार मिनट में एक लास्ट मेट्रो आएगी, पिंक लाइन के लिए चेंज करना पड़ेगा, क्रिश बना पड़ा हूँ, भागते में जा रहा हूँ मैं, भागो भाई। मैं गलत स्टेशन पर उतर गया, उसमें नेक्स्ट स्टेशन नेताजी सुभाष जी आ रहा था, मुझे लगा यही नेताजी सुभाष पैलेस है। मेरे ख्याल से एक और मेट्रो आ रही है भाई, मेरा क्या होगा, मैं बहन जो फालतू का स्ट्रगल डालता हूँ अपने ऊपर, अच्छी खासी लाइफ जा रही होती है, कूद गया एंड में बंद होने वाली थी, कूद गया मैं, मेरे को लगा छूट गई फिर आगे पहुँच जाऊँगा। फक यार देखो शायद से मेट्रो आ गया, 15 मिनट बाद आई है लेकिन आ गई, मिलेगी भाई लास्ट मेट्रो। आओ बहन आ रही है NSP, तो उसके साथ फिर घर जाएंगे, फिर घर पे जाके मुझे बाकी एक्सरसाइज भी करनी है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा नया कोच कौन है। तो फाइनली मेरा नया कोच है एरन फर्नांडिस, आप में से बहुत लोग जानते होंगे उसे, सिंगा का भी कोच था वो, सिंगा से उसकी कुछ बीफ हुई थी, वो कुछ ज़्यादा कुछ थी नहीं, बस मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो मेरे को दोनों की बातें पता है, कुछ है नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग है, एक बार बात करेंगे क्लियर हो जाएगी। बाकी एरन मेरा बहुत पहले से दोस्त है, अराउंड 2019 में मेरी फर्स्ट टाइम बात हुई थी, तो तब हम दोनों डिस्कस करते रहते थे जो भी ट्रेनिंग की बातें होती थी, लेकिन फिर उसने रॉ में अपना पुश करा, मैंने क्यूब में अपने आप को पुश करा, तो मेरी क्यूब में नॉलेज बढ़ी तो उसकी रॉ में नॉलेज बढ़ी, मैं रॉ में अपनी इतनी नॉलेज बढ़ा नहीं पाया, तो डेट्स वाई मैंने सोचा कि अभी ऑफिशियली एक कोच हायर करते हैं जो कि मुझे बता पाए कि मेरे को क्या वेट लिफ्ट करना है, ताकि मैं अपना माइंड थोड़ा सिर्फ वेट उठाने पर और डाइट फॉलो करने पर लगा पाऊँ। तो यस मैं योद्धा ट्रेनिंग के अंदर ट्रेनिंग कर रहा हूँ, उससे बोलूँगा टी शर्ट भेज मेरे को योद्धा ट्रेनिंग की फ्री में। बाकी अभी बस ट्रेनिंग मेरी क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, मेरे को 4 बार हफ्ते में ट्रेनिंग करनी है, जिसमें मंडे वेनसडे फ्राइडे एंड सैटरडे, जिसमें से मेरी बेंच स्क्वायर डेड तीनों चीज़ दो दो बार है, और साइड एक्सरसाइज में मोस्टली मेरी मिक्स है, जिसमें मेरी मेन मसल को फोकस किया जा रहा है, लेकिन मैं साथ साथ में हाइपरट्रॉफी अच्छी रख रहा हूँ ताकि मेरा मसल लॉस ना हो और मैं साथ साथ में मसल मेंटेन कर सकूं अच्छा खासा, तो सब चीज़ें दिमाग में रखे जा रही है, इसलिए मैं अपनी साइड एक्सरसाइज मिस नहीं कर सकता आज, तो घर पे जाके साइड एक्सरसाइज करनी है, पहले घर पहुंच जाएं फिर देखते हैं कैसे कब तक एक्सरसाइज खत्म होगी और मैं कब मैं सोऊंगा पूरा आपको बताऊंगा। तुम बॉडी देखो अपने भाई की, देखो। तो गाइज़ मैं सो गया था शेक पीने के बाद, लेकिन मेरे को थोड़ी देर के लिए सोना था, एक नैप सा लेना था ताकि मेरी पावर आ जाए थोड़ी बहुत, क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही थी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा सो लिया। सोने के बाद उठा, फिर मैं अलार्म बज रहा था, मैं उसके बार बार स्नूज़ पे दबाया जा रहा था, मैं कहा यार नहीं हो पाएगा वर्कआउट, बहुत नींद आ रही है, शरीर दर्द हो रहा है, लेकिन फिर दिमाग चलने लग गया, मैं कहा बहन जो करना पड़ेगा, और मैं कल भी कर सकता था वर्कआउट वैसे अगर देखा जाए तो, लेकिन मैं आज क्यों कर रहा हूँ मैं वो आपको बता दूँ, मैं रात को वर्कआउट क्यों करता हूँ, मतलब मैं अपनी जो ट्रेनिंग आज की है वो ख़त्म करना चाहता हूँ उसी दिन, ऐसा क्यों, चाहे मैं भले ही रात के 3 बजे करूँ। अब देखो रात के 3 बजे एक्सरसाइज करना आसान बात तो है नहीं भाई, नींद आती है, और क्योंकि सुबह से उठे हो तो ऑब्वियसली नींद आएगी आपको, लेकिन जैसे कि बहुत सारे एथलीट को आपने देखा होगा वो आइस बाथ लेते हैं, तो आइस बात का बेसिकली आपके रिकवरी से इतना कुछ इफेक्ट नहीं होता, वो बेसिकली आइस बात इसलिए लेते हैं ताकि वो
अपने आप को एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में मेंटली स्ट्रांग कर सके, ताकि जब उनके लाइफ में कोई सा भी ऐसा डिफ़िकल्ट सिचुएशन है तो वो अपने माइंड को फोकस पर रख सके। और मेरा ये तरीका है करने का कि जब मैं ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशन में, जब मुझे बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा होता एक्सरसाइज करने का, उस टाइम पर मैं पूरी कोशिश करता हूँ एक्सरसाइज करने की, ताकि जब मैं किसी ऐसी सिचुएशन में हूँ, जब मैं नेशनल पे स्टेज पे हूँ या फिर किसी भी कंपटीशन पे स्टेज पे खड़ा हूँ, तो वो चीज़ें मुझे इफ़ेक्ट ना करे कि भाई मैं इतने बड़े स्टेज पे हूँ, मेरे को क्या ट्रेनिंग मैंने कैसे करी, क्योंकि मुझे अंदर से पता होगा भाई मैंने बहुत ट्रेनिंग कर रखी है, ये कुछ नहीं है, इसको तो देख ही लेंगे। तो बाकी मैंने ये रूम थोड़ा क्लीन व्लीन करा, क्योंकि यहाँ पर बहुत टाइम से एक्सरसाइज नहीं करी थी मैंने, और अभी मैं अपनी एक्सरसाइज शुरू करता हूँ। आपको एक्सरसाइज दिखा दूंगा मैं सारी, ज़्यादा कुछ बातें नहीं होगी। तो अगर आप जो मेरा नए प्रोग्राम की एक्सरसाइज है वो आपको दिखेगी अब वीडियो में। बाकी एक्सरसाइज शुरू करते हैं फटाफट, फिर से To my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars, crashing in my car. So guys, मैंने exercise complete कर ली अपनी। Time हो रहा है 5:44, almost 6 बज गए हैं सुबह के। सारी exercise आप देख नहीं पाए होंगे क्योंकि मैं exercise बहुत मुश्किल हो रही थी करनी, क्योंकि रात हो रही थी तो मैंने वीडियो बनाई नहीं अच्छे से। पर जो भी आपको देखिए, मे बी मैं ये वीक पूरा शूट करने वाला हूँ तो मैं किसी ना किसी दिन आपको अपनी एक्सरसाइज दिखाई दूंगा, और मोस्ट ऑफ द डेज मेरी एक्सरसाइज सेम ही है, कुछ चेंजेस नहीं है, मिक्स टाइप एक्सरसाइज है। मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा बाकी इस वीडियो में। बाकी इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, सुबह के 6 बज गए हैं। मैं कल ट्यूज़डे को मैं रेस्ट करूँगा, लेकिन मैं कल वीडियो शूट करूँगा। तो इस वीडियो के बाद जो वीडियो आएगी वो ट्यूज़डे की होगी। तो उसके लिए अगर आपको ऐसी वीडियोस चाहिए तो कमेंट करो प्लीज़, और लाइक कर देना वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी ये था वीक 3 का फर्स्ट डे, मिलते हैं आपसे सेकेंड डे पे। बाय।